उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जंग के मंडलाते साए, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जापान के शहर हिरोशिमा पहुंच गए। आलमी और इक्तिसादी सलामती पर तावुन बढ़ाने पर जोर देंगे। G7 इजलास जौहरी बम से मुतासिर होने वाले शहर में मुनक्किद किया जा रहा है। अल्बर्टा में जंगल की आग का बेमिसाल बहरान, मौसम गर्मा के महीनों तक बढ़ने का खतरा। हुकाम का कहना है कि फायर फाइटर्स एक तवील सख्त सीजन के लिए तैयार हैं। रवां हफ्ते आग में मजीद इजाफा हो सकता है। कैनेडियन वजीर आजम का जनूबी कोरिया का पहला दौरा, कैनेडा और जनूबी कोरिया के दरमियान नए मुहिदे तय पा गए। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि कैनेडियन हुकूमत इंसानी हकूक की तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। चीन में वस्ती एशियाई ममालिक के सरबराहान का दो रोजा इजलास, बैनुल अक्वामी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में फरीक ममालिक के दरमियान मुतादित मुहिदों पर दस्तखत होने की भी तवक्को है। कुर्रे अर्ज के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा, अक्वामे मुतहदा ने खबरदार कर दिया। अक्वामे मुतहदा ने आइंदा 5 साल के लिए खतरनाक पेशगोई कर दी। आलमी दर्जा हरारत मुकर्ररा हद से तजावुज कर सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. जंग के मंडलाते साए में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जापान के शहर हिरोशिमा पहुंच गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जंग के मंडलाते साए में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो जापान के शहर हिरोशिमा पहुंच गए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो G7 लीडर्स के सरबराही इजलास के लिए हिरोशिमा जापान पहुंचे हैं, जहां उनसे तवक्को है कि वो जुग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम और माहौलियाती तब्दीली के खतरे से बचाने के लिए आलमी और इक्तिसादी सलामती पर तआवुन बढ़ाने पर जोर देंगे। जापान के वजीर आजम ने समिट की मेजबानी के लिए जान बूझ कर जौहरी बम से मुतासिर होने वाले शहर का इंतखाब किया। जनूबी कोरिया में ट्रूडो के दिन का आगाज कीपिंग में एक नए तामीरशुदा ट्रेल के साथ एक यादगारी और तेज रफ्तारी के साथ हुआ। ये अप्रैल 1951 की कॉपियों की लड़ाई की यादगार है, जो कोरिया की जंग के दौरान कनाडा के फौजियों की पहली मायूसकुन लड़ाई थी। उनके दिन का इख्तिताम जापान के शहर हिरोशिमा में हुआ, जिस शहर को अगस्त 1945 में अमेरिका की जानिब से टैक्टिकल जौहरी हथियार के दुनिया के पहले इस्तेमाल में एटम बम से तबाह कर दिया गया था। जापानी वजीर आजम फुमियो किशिदा ने जानबूझकर अपने आबाई शहर को ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स के इजलास के तौर पर मुंतखब किया, ताकि दुनिया को आज जौहरी तसादुम के खतरे को उजागर किया जा सके। रूस ने एक से ज्यादा मौके पर यूक्रेन में अपनी जंग में टैक्टिकल जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ट्रूडो के सियोल के शुमाल मगरब में तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर केपविंग के सख्त स्क्रिप्ट वाले दौरे में उन्होंने सबका मैदान जंग के नाहमवार मनाजिर पर एक नाम निहाद अमन का रास्ता खोलते देखा। हाइकिंग ट्रेल सबका कनाडा की पोजीशंस को जोड़ती है और हिल 677 की चोटी पर ख़त्म होती है, जहां जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल को हासिल करने की मुहिम के दौरान चीनी फौजियों ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर काबू पाने की कोशिश की थी। इस हमले को कॉमनवेल्थ ब्रिगेड ने रोक दिया था, जो कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियाई फौजियों पर मुश्तमिल था, जिसे अमरीकी टैंकों की मदद हासिल थी। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में जंगल की आग का बहरान, मौसम गर्मा के महीनों तक बढ़ने का खतरा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अल्बर्टा में जंगल की आग का बेमिसाल बहरान मौसम गर्मा के महीनों तक बढ़ने का खतरा है। अल्बर्टा वाइल्ड फायर इंफॉर्मेशन यूनिट के मैनेजर क्रिस्टी टिकर ने कहा कि बुध की सुपहर तक अल्बर्टा के जंगलाती तहफ़ के इलाकों में 91 जंगल की आग जल रही है और 27 को कंट्रोल से बाहर करार दिया गया है। फायर फाइटर्स एक तवील सख्त सीजन के लिए तैयार हैं। अल्बर्टा ने अब तक कनाडा और अमेरिका भर से तकरीबन 1000 सूबे से बाहर के फायर फाइटर्स की मदद की है। टिकर ने कहा कि मदद के लिए मजीद दरख्वास्तें भेजी जाएंगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि फायर फाइटर्स जरूरत पड़ने पर कूदने और टीमों को घुमाने के लिए तैयार रहें। बुध की सुपहर तक 11,990 से ज्यादा अफराद ने इनखिला किया है, लेकिन कुछ बेघर रिहायशियों को वापस जाने की इजाज़त दी गई है। तवक्को की जाती है कि पूरे मगरबी कनाडा में गर्म खुश्क और हवा के हालात जारी रहेंगे। मुमकिना तौर पर विक्टोरिया डे वीकेंड के दौरान ज्यादा शदीद और गैर मुतवक्के आग लग सकती है। अल्बर्टा में फायर फाइटर्स ने गर्मी के खुश्क हालात का मुकाबला किया है। इस हफ्ते बदलती हवाओं ने आग की अफजाइश को तेज कर दिया है, जिससे आग के शोले कुछ कम्युनिटीज के करीब आ रहे हैं। ट्रूडो ने सियोल में जनूबी कोरिया के सदर के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम दोनों तस्लीम करते हैं कि चीन न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम इक्तिसादी शराकत दार है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा और जनूबी कोरिया ने अहम मादियात और नौजवानों की नकल व हरकत के लिए सप्लाई चेन पर नए मुहायदे किए, जब वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बुध को मुल्क के सदर के साथ बातचीत खत्म की। ट्रूडो के जनूबी कोरिया के पहले सरकारी दौरे के दौरान उनकी हुकूमतों ने अहम मादियात साफ तवानाई की मुंतकली और तवानाई की हिफाजत पर मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसका मकसद कनाडा के लिए मजीद सरमायाकारी और तिजारत होगा। इक्तिसादी और सकाफती तालुकात को बढ़ाने की मुश्तरका कोशिश उस वक्त सामने आई जब दोनों ममालिक चीन पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। ट्रूडो ने सियोल में जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम दोनों तस्लीम करते हैं कि चीन न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम इक्तिसादी शराकत दार है, लेकिन हमें इस बात पर वाज़ेह नजर रखने की जरूरत है कि हम चीन के साथ कहां तआवुन करते हैं। ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा ने गुज़िश्ता साल मॉन्ट्रियल में मुल्क के साथ हयातियाती तनों पर अक़वामे मुत्तहिदा की सरबराही इजलास की मुश्तरका मेज़बानी की थी। उन्होंने कहा कि हमें ये जानने की जरूरत है कि हम इक्तिसादी बुनियादों पर चीन के साथ कहां मुकाबला करने जा रहे हैं और हमें इंसानी हुकूक और दीगर मसाइल पर चीन को कहाँ चैलेंज करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम दोनों उन तरीकों से करते रहेंगे जो हमारे अपने ममालिक और हमारे अपने हालात के मायने खेज हैं। कनाडा ने तेज़ी से अपनी तवज्जो और वसाइल को अपनी अहम मादियात की सनत को आगे बढ़ाने पर मरकूज किया है, जिसका हिस्सा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज जैसे सामान की तैयारी के लिए एक ज़्यादा मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए है। लिबरल हुकूमत अपने जनूबी कोरिया के दौरे को कामयाब करार दे रही है। फिलहाल इसका कारसाज कंपनी स्टीलेंट्स के साथ तनाज़े हैं, जिसने विंडसर ऑन्टेरियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट की तामीर रोक दी है। ये प्लांट जनूबी कोरिया की बैटरी बनाने वाली कंपनी एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ शराकत दारी में तामीर किया जा रहा था। कनाडा और जनूबी कोरिया ने भी शुमाली कोरिया में इंसानी हकूक को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अहद किया, जहाँ ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंसानी हकूक की तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हम शुमाली कोरिया की तरफ से जौहरी मिसाइल तजुर्बात समेत बाकायदा फौजी सरगर्मियों की मजम्मत करते रहते हैं। चीन के शहर जियान में सदर शी जिनपिंग ने काजिकिस्तान, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान का इस्तकबाल किया, जो दो रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीनी सदर की दावत पर पहुँचे थे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन जंग के बाद से आलमी पाबंदियों के बायस रूस खुद से अलहदा होने वाले एशियाई ममालिक में असर व रसूख खो रहा है। इस खला को पूर करने के लिए चीन मैदान में आ गया है। चीन के शहर जियान में सदर शी जिनपिंग ने काजिकिस्तान, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान का इस्तकबाल किया, जो दो रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीनी सदर की दावत पर पहुंचे थे। चीन ने वसी एशियाई ममालिक के पहले इजलास के लिए अपने तारीखी शहर जियान का इंतखाब इसलिए किया है कि यही वो शहर है जहां से एक ज़माने में शाहराह रेशम का आगाज़ किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सदर शी जिनपिंग काजिकिस्तान, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दो रोज़ा सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं, जिसे जापान में होने वाले G7 इजलास जैसी अहमियत हासिल हो गई है। वस्ती एशियाई ममालिक के सरबराहान का अपनी नौयत का यह पहला इजलास है।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए चीन अपने खरबों डॉलर्स के बेल्ट एंड रोड पर पेशरफ को तेज कर सकता है और आलमी मंडी तक अपनी अशिया की रसाई को मुमकिन बना सकता है। इजलास से कबल चीन की वजारत खारजा के यूरोपी वस्ती एशियाई उमूर के महकमे के डिप्टी डायरेक्टर जनरल योजून ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इजलास के दौरान इन ममालिक में तआवुन के तरीक़ाकार और बैनुल अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि इस इजलास में फरीक ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होने की भी तवक्को है। चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने बुध के रोज आदाद शुमार शाया किए थे जिसके मुताबिक 2023 के इब्तदाई 4 माह में वस्ती एशियाई ममालिक के साथ चीन की दरामदात और बरामदात का हजम 173.05 बिलियन युआन था जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 37.3% ज़ायद है। ख्याल रहे कि सदर शी जिनपिंग ने मुसलसल चौथी बार सदर और मुल्की तारीख के दूसरे बड़े ताकतवर तरीन लीडर बनने के बाद सबसे पहला दौरा रूस का किया था जिसमें कई अहम मुहायदे तय पाए थे। इस सरबराही इजलास को चीन और रूसी सदूर की उस मुलाकात की कड़ी करार दिया जा रहा है। अक्वाम मुतहदा के आलमी मौसमियाती इदारे WMO ने पेशगोई की है कि रवां साल दुनिया के लिए अगले 5 साल इंसानी तारीख के गरम 3 साल साबित हो सकते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अक्वाम मुतहदा के आलमी मौसमियाती इदारे WMO ने पेशगोई की है कि रवां साल दुनिया के अगले 5 साल इंसानी तारीख के गरम 3 साल साबित हो सकते हैं। अक्वाम मुतहदा के मौसमियाती इदारे WMO ने खबरदार किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस से कुर्रे अर्ज़ के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से 2023 से 2027 तक का दौरानिया इंसानी तारीख का गर्म तरीन हो सकता है। इदारे ने कहा कि माहरीन ने आलमी दर्जा हरारत के हवाले से जो हद रखी थी अब उससे तजावुज होने वाला है और इस बात का 98% इम्कान है कि अगले 5 सालों में दर्जा हरारत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होगा। वाजे रहे कि अब तक रिकॉर्ड किए गए गर्म तरीन 8 साल 2015 और 2022 के दरमियान थे लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों में तेजी के साथ दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.